वेलकम यू टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सर्दी माशाल्लाह से कराची का मौसम चेंज हो चुका है, यहाँ बहुत अच्छी ठंड पड़ने लग चुकी है। और कल मैं रात में गई थी अम्मी के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी, तो वहाँ जब मैं गई हूँ तो रास्ते में सूप के केबिन लगे हुए थे और क्या मूँगफली, अक्सर हमारी गली में मूँगफली और ये चिलगोजे ये बेचने के लिए आते हैं और वो टन टन की आवाज़ें आती हैं। और इस टाइम सर्दियों में ना बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट आए हुए होते हैं, मूँगफली इतनी अच्छी लगती है, गरम गरम सूप इतने अच्छे लगते हैं और बाहर जाके एंजॉय करना तो बहुत ही मज़ा लगता है, बहुत ही इंजॉय किया जाता है। रात में सर्दी के टाइम हो और रात के मतलब 10 या 11 का टाइम हो और आप कहीं जाएं सूप पीने के लिए बाहर अपनी फैमिली के साथ और ठंडी ठंडी हवा गरम गरम सूप, तो बहुत मज़ा और बहुत इंजॉय किया जाता है। अच्छा चले मैं अब आपको मौसम भी दिखाती हूँ, कराची का मौसम चेंज होता आ रहा है। वो इतनी ठंड नहीं है मगर ठंड आ चुकी है और रात के टाइम थोड़ी ठंड हो जाती है। अब ये कि फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती फ़ैन चलाने की, मौसम अच्छा और बेहतरीन हो गया। और देखिए मैंने रात को तेल शेल लगाया था, खूब चंपी शंपी की थी अपने बालों में और फिर मैंने कहा चले मैं स्कार्फ ले लेती हूँ, इस तरीके से दुपट्टा, और जो इस पर मोती लगे हुए ना सलार मोती खा रहे थे, इसलिए मैं ये दुपट्टा छुपा के रख रही हूँ उससे और घर में दूसरा दुपट्टा ओढ़े ओढ़े घूम रही हूँ। और ये देखें मौसम कितना प्यारा बना हुआ है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी धूप है और ये देखें बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। हाँ तो कल ना हमारे घर मेहमान भी आए हुए थे, हमारे पड़ोस में रहकर गई हैं, तो वो पंजाब गई हुई थी, पंजाबी रहती हैं, तो वो पंजाब से आई हुई थी, तो फिर वो हमारे घर आ गई थी और रात उन्होंने फिर यहीं पर स्टे किया, हमारे घर ही वो रुकी। और फिर ये था कि उनके साथ बातें वगैरह चलती रहीं, बातें वगैरह वो करती रहीं, तो इसी तरह टाइम का पता नहीं चला। कल भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकी क्योंकि थोड़ी दिल नहीं कर रहा था, मूड नहीं था, बस कभी कभी होता है ना इंसान इतना ज़्यादा आवाज़ार होता है कैमरा उठाने का भी दिल नहीं करता, तो इसलिए मेरा कैमरा उठाने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा बस मैं कुछ आराम करती हूँ और फिर मेहमान आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि खाना बनाना है, घर के काम है, फिर सलार के साथ टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, तो फिर इस वजह से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। और बस मैं सुबह सुबह के इलेक्ट्रिक ऑफिस गई थी, आपको कम्प्लीट फॉर्म मिल चुका है, कम्प्लीट मैंने पेमेंट कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट पेमेंट हो चुकी है। अब 1-2 दिन में या 3 दिन तक इंशाल्लाह न्यू कनेक्शन लग जाएगा, तो शुक्र है मेरे मालिक का कि ये जो अजाब एक सर पे आया हुआ था ना ये किसी तरीके से उतरा है। अब थोड़ी थोड़ी बहुत सुकून होगा ज़िंदगी में क्योंकि ये इतने ज़्यादा बिलों ने तो परेशान किया हुआ था। अब बस बाजी दूसरे रूम में, बाजी के पास बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए, उनके पास जाती हूँ, देखती हूँ बच्चों के आजकल पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो पेपर वगैरह तो बाजी उनकी तैयारियाँ वगैरह करवाने में लगी हुई, तो बस बच्चों के पेपर हैं, तैयारियां चल रही हैं। और सलार का ये वाला है ना मैंने निकाला था, उसका नया ये है ना अम्मी ने सिया था उसके लिए, सलार के लिए जब सलार होने वाले थे ना, तो ये छोटा सा तकिया सिया था और ये उसके गोल तकिए सिए थे इसके साथ के, पूरा बिस्तरा घर में सिला था। और जब बस नमाज़ पढ़ी थी तो जा नमाज मैंने यहीं रख दी थी, लाइट ऑफ करती हूँ इस रूम की और दूसरे रूम में चलते हैं। मौसम बहुत प्यारा है, ये सर्दियाँ होती ना तो फिर हम ये खिड़कियाँ ना बंद रख देते हैं क्योंकि बहुत ठंड हो जाती है और ना खिड़कियों से बहुत ज़्यादा ठंड आती है, और फिर सलार भी छोटे से है ना अभी, तो ये रूम भी और मेरा अबाया रखा हुआ है यहाँ पर। और ये देखो अलमारी पता नहीं किसने खोल दी है, इस अलमारी को लॉक करती हूँ कोई चीज़ वगैरह ना चली जाए, मतलब ना चुइयाँ वगैरह ना चली जाए ना, कपड़े ख़राब कर देती हैं फिर। अच्छा जी और मैं आपको दिखाती हूँ सलार और ना पता है इस डिज़ाइन की बेडशीट है मैंने ना कराची में और बाहर मतलब बहुत जगह देखी है बेडशीट का। और बस ये कि और अम्मी जी गई हुई थी दूध लेने के लिए, अब अम्मी जी आती हैं तो फिर देखते हैं, बाजी ट्यूशन पढ़ा ली थी ना तो फिर मार्केट जाना है। और आज अम्मी ने ना सलार के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेना है, अम्मी कही थी तुम साथ चलना अपनी पसंद से पसंद कर लेना कि तुम्हें सलार के लिए क्या चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है अम्मी आप लेकर चलिएगा और फिर मैं खुद अपनी पसंद से पसंद कर लूँगी कि मुझे सलार के लिए क्या चाहिए। वैसे तो मम्मी को मना कर रही थी मगर अम्मी ने कहा कि नहीं जो तुम्हें उसकी पहली सालगिरह है जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम सलार के लिए ले लो और फिर आ जाऊँगी मैं, सलार को भी साथ लेकर जाऊँगी, अम्मी भी जाएँगी, बाजी भी जाएंगी, हम माशाल्लाह से चारों लोग जाएंगे और फिर सलार के लिए देखेंगे कि आज उसके लिए उसकी नानी क्या लेती हैं और उसके लिए क्या गिफ्ट लेती हैं। और जी आजकल तो रेट यकीन करें इतने ज़्यादा हाई है ना, आप कोई भी सामान लेते हैं ना तो इतने ज़्यादा रेट हाई हुए हैं कि बस बंदा जो चीज़ हमारे टाइम अच्छा था, वैसे बाकी हमारा दौर बहुत अच्छा था, हमारे टाइम में इतनी सस्ताई थी और उस टाइम ये था कि हर चीज़ बहुत आसानी से और बहुत कम रेट में मिल जाया करती थी। और आजकल का जो वक्त है उसमें तो भाई तौबा है तौबा है तौबा,
तो बस ये था, और बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं सलार के लिए बलून लेकर आई थी, और नहीं ये मैं कंप्लीट सामान लेकर आई थी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे लग रहा है कुछ बलून ना कम है तो मैं मज़ीद और ले लूँगी। अभी ये रखती हूँ और बाकी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं सलार के लिए लेकर आई थी। अभी कुछ पता नहीं है कि बच्चों को बुलाना है, कितने बच्चे आएंगे, कितने मेहमान आएंगे, या फिर बच्चों को इनवाइट करना है, तो थोड़ी सी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। बाद में मुझे अगर लगेगा कम है तो फिर मैं जाके लेकर आ जाऊँगी। और ये था, ये फर्स्ट बर्थडे का था, ये सलार के लिए ये भी ले लिया था मैंने, और ये सेम इसी तरीके से जो डिज़ाइन है ना, ये वन बना हुआ है और इस तरीके से बेबी बॉय है, और ये सेम इस तरीके का डिज़ाइन है, ठीक है। ये पैकेट एक ये था, और ये केक पे लगाने का था, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद सलार। तो ये किए था, ये भी मैंने ले लिया था, और ये मैंने बलून ले लिए थे, और ये फायर तो आपको पता होगा ना, एक अदद ये भी ले लिया था। अब मुझे ना कैप का पता करना है कि कैप कितने होने, और बाकी मैं सोची थी कि बलून ना मैं और ले लेती हूँ, उसके अलावा एक झालर होती है ना, झालर, और एक अदद मैं सोची थी कि झालर ले लेती हूँ, क्योंकि झालर लगेगी और फिर ये वाले बलून लग जाएंगे, और सोची थी कि कुछ और बलून लेकर आ जाती हूँ। तो आज जाके ना ये भी कंप्लीट तैयारी कर लूँगी, पहले से चीज़ें रखी हुई हो तो आसानी हो जाती है, आपको बार बार तंगी नहीं होती, बार बार मसला नहीं होता। तो बस घर में थोड़ा सा घर डेकोरेट कर लेंगे, अच्छा सा प्यारा सा कर लेंगे घर को। और ये मैंने ना कंट्रास्ट मुझे अच्छा लग रहा था, वाइट का और ब्लू का, आप भी बताएगा कैसा लग रहा है, और ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं। बाकी कुछ और चीज़ें भी आनी हैं, तो वो भी मैं आज जाके ना कंप्लीट कर लूँगी, और अम्मी से पता कर लूँगी कि अगर लोगों को बुलाना है या फिर सिर्फ घर घर में सेलिब्रेट करनी है या कितने लोगों को बुलाना है, तो वो भी कंप्लीट पता करके फिर उसके हिसाब से मैं बच्चों के लिए कैप भी ले लूँगी। मगर मैंने अभी सलार के लिए ये वाला बहुत प्यारा सा कैप ले लिया था, और ना ये अच्छा लग रहा था मुझे, ये अच्छा लग रहा था, इसका कलर बहुत प्यारा था, और वाइट और ब्लू का कलर मैं कह रही थी कि ये वाकई बहुत खूबसूरत सा कलर लगता है। तो बस ये ले लिया था, अब थोड़ी देर तक जाएंगे बाज़ार, और बाज़ार से देखते हैं क्या क्या सामान लेना है, और अम्मी भी बस आ चुकी है, देखते हैं जल्दी से चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद तो जी अब मैं रेडी हो चुकी थी, अबाया मैंने पहन लिया था, अबाया पहनने के बाद मैं बस स्लीपर ढूंढ रही थी कि जल्दी से मुझे ये स्लीपर मिल जाए, और फिर चलते हैं मार्केट, और मार्केट से देखते हैं हमने क्या क्या सामान लेना है। मुझे सलार के लिए सूट भी लेना था, और सलार के लिए पैम्पर डायपर वगैरह ये सब चीज़ें, और बाकी और भी ऐसी चीज़ें थी जो सलार के लेनी थी, मगर यार ये दरवाज़ा एक लग रहा है मुझे ख़राब हो चुका है, इसका लॉक का मसला है। तो बस अब चलते हैं मार्केट, और फिर मार्केट जाके आप लोगों से वीडियोस आज की शेयर करूंगी कंप्लीट। और ये देखिए मैं कंप्लीट रेडी हो चुकी थी, अब आया पहन लिया था, और ये मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल सी, और बस ये मोहल्ले में मैंने कहा चले मैं दरवाज़ा लॉक कर लेती हूँ। आज हमारे घर में इतना बड़ा मसला हुआ कि जो हमारे हमने जिनको रेंट पे दिया हुआ है वो अपनी अम्मी के चले गई, और टैंक फुल हो चुका था, और पीछे से गली में इतना पानी भरा है, बहुत पानी भरा है, फिर उनको कॉल करके याद दिलाई कि जी आप घर पर आएँ, क्योंकि टैंक जो है वो फुल हो चुका है और गली में बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। और देखिए हम वापस घर पे भी आ चुके थे, मैंने वीडियो में वो नहीं बना सकी बाज़ार की कि हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, फिर अच्छा नहीं लगता इतने रश में आप कैमरा वगैरह निकालें या फिर वीडियोस वगैरह बनाए, सब लोग बड़े अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। तो बस ये घर पर आ गई थी, तो अम्मी ने उसके लिए हॉर्स लिया था सलार के लिए, और ये बहुत इंजॉय कर रहा था इस पे बैठ के, और बाजी इसको काफ़ी देर से ना इसी तरीके से हॉर्स पे बिठा के इसको खिला रही थी, और ये मैं वीडियोस आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और जो घर के बड़े होते हैं जैसे कि नानी खाला या फिर माँ जो होती है ना, उन चीज़ों को देख के बच्चों को हंसता मुस्कुराता देख के बहुत खुश होती हैं। अच्छा ये मैंने ना सलार के लिए एक सूट भी लिया है, तो सलार का जो सूट है ना वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैं सलार का कौन सा सूट लिया। अच्छा गर्म स्टाइल का लिया है मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा कराची में तो बहुत ज़्यादा तो सर्दियाँ होती नहीं है, नॉर्मल मौसम रहता है, तो नॉर्मल मौसम के हिसाब से ये ठीक रहेगा, और गर्म गर्म सूट था ये। इसके साथ ये था सिंपल सा ट्राउज़र था, और ट्राउज़र कहते हैं टाइट्स कहते हैं जो भी है, ये था, और इसके साथ शर्ट थी। साथ ही मैंने इसके लिए पैम्पर ले लिए थे, क्योंकि सलार के पैम्पर ना डायपर ख़त्म होने वाले थे, अब ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसे रिलैक्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, और अब बाजी है ना इसको कम्प्लीट खोल के चेक कर रही थी, और कह रही थी कि सलार चलो अब तुम ना इसके साथ टायर भी लगे हुए, और ये ना थोड़ी मूव भी करती है, चेयर जैसी होती है ना
इस तरीके से ना ये मूव भी करती है और इसके साथ टायर भी थे, तो ये ना अच्छी लग रही थी मुझे ना। वैसे टेबल चेयर भी अच्छी लगी थी, और बस मैंने कहा था ये सलार को थोड़ा है ना ये खुश हो रहा है, इसको बिठा दो फिर ये पैक करके रख दो, जब इसकी सालगिरह होगी उसी दिन ये गिफ्ट अम्मी देंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये खाला उसकी उसको खिलाने में लगी हुई थी और तबाही बर्बादी मच रही थी, तवा भी गिर गया था उनके कपड़ों से अटक के, और ना चीज़ें इधर उधर धर्म भरम होने में लगी हुई थी। बस अब मैं ना सोची थी कि मैं सलार के कपड़े हैंग कर देती हूँ और लाइट ऑन की है, बस लाइट ऑन करती हूँ, सलार के लिए हैंगर वगैरह जो है वो निकालती हूँ और सलार का सूट जो है वो हैंग कर देती हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं बाहर आना जाना होता है ना इस तरीके से मैं रखूँगी तो ये इसकी आयरन ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसको हैंग करके रख दूँगी, इसकी आयरन ठीक रहेगी और कभी भी अर्जेंट कहीं जाना पड़ता है तो फिर मैं सलार को ये ड्रेस पहना दूँगी। वैसे मुझे इतना ख़ास यहाँ पर कुछ अच्छी वैरायटी नहीं आई हुई थी, सोच रही थी तारिक रोड जाऊँगी वहाँ से इसके नहीं कंप्लीट शॉपिंग कर लूँगी सर्दियों की भी, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ खास समझ नहीं आई थी। और देखिए अलमारी सलार की फुल हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी है, जबकि मैंने इसकी गर्मियों के ड्रेस सारे उठा के रख दिए, अब ये सारे मैं घर सर्दियों पे के। आ चुकी थी और देखिए अभी तक मैंने अबाया भी चेंज नहीं किया है, बस मैं अपना अबाया चेंज करती हूँ और सलार के सारे कपड़े जो मैं लेकर आई थी, एक सूट था उसके अलावा एक सूट है पैम्पर वगैरह लेकर आ गई थी इसके सारे, और जो अम्मी गिफ्ट लेकर आएंगे वो भी मैंने इसमें शेयर कर दिया है। और मैं सोच रही थी कि ना बताऊं, मगर ये था कि वो सलार कितने खुश हो रहा था, वो हॉर्स पे बैठ के इतना खुश हो रहा था, तो फिर मैंने वीडियोस की क्लिप्स वगैरह जो हैं वो इसमें वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर अच्छी लगे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते जाते अच्छा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, बाय बाय।